हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट बेसिक के बारे में, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में। डिटेल में आपका एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ भी आपको बताएंगे और भी बहुत सारी बातें इस सेशन में डिस्कस होने वाली हैं। सो मेरे आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर पोस्ट बेसिक का बताइए, पोस्ट बेसिक का बताइए। ऑन डिमांड मैंने ये वीडियो बनाया है। सो जितना भी डाटा मैंने गैदर किया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अभी स्टार्ट करते हैं हम पोस्ट बेसिक CET PGIMS पेपर एनालिसिस। तो रिजल्ट एनालिसिस एक्चुअली हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि पेपर का हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टोटल कैंडिडेट्स कितने थे जिन्होंने अप्लाई किया था। तो हमारे 1769 वाज टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था। उसमें से 195 कैंडिडेट एब्सेंट थे, और ये आप माइनस कर लेना कितने बंदों ने पेपर दिया था। और टॉप किसने किया है, अभी मैं आपको बताऊंगा टॉप किसने किया है। ये मिताली सैनी, 155 मार्क्स इसने प्राप्त किए हैं और फर्स्ट रैंक इन्हीं का है। नेक्स्ट सेकंड हमारा रहता है मनीषा, 151। और जो रिज़ल्ट आया है अबकी बार, वो बिल्कुल हूबहू लास्ट ईयर जैसा ही हमारा पैटर्न चल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो टॉप था कैंडिडेट उसके 152 मार्क्स थे, और अबकी बार 155 मार्क्स हैं। पिछली बार जो सेकंड कैंडिडेट था उसके 137 थे, अबकी बार 151 हैं। और अगर मैं थोड़ा आपको एनालाइज करके बताऊँ कि हम 100 अबाव कितने कैंडिडेट्स किस किस कैटेगरी में हमारे पास हैं, तो देखो बच्चों, अभी जो एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जो कैटेगरीज वाइज लिस्ट, रैंक लिस्ट हमारे पास नहीं आई है। सो इसलिए ये जो डाटा इंटरप्रेट मैंने किया है, पूरा डाटा एनालाइज किया है, उसी हिसाब से एक्यूरेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 140 और 150 के बीच में 5 कैंडिडेट हैं, 130 टू 140 के बीच में 13 कैंडिडेट हैं, 120 टू 130 के बीच में 49 कैंडिडेट्स हैं, और 110 टू 120 के बीच में हमारे 82 कैंडिडेट्स हैं, 100 और 110 के बीच में 120 कैंडिडेट्स हैं। जैसे जैसे देखो बच्चों के जो मार्क्स कम होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। और ये 100 और 120 वाली कैटेगरी है, यहाँ पर तो फिर बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट सीट्स में कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हम अपर रैंक से स्टार्ट करेंगे। जैसे 150 प्लस हैं, दो बच्चे हैं 150 प्लस, दोनों को बिल्कुल पोस्ट बेसिक हमारा जो PGIMS रोहतक में मिल जाएगा। PGIMS रोहतक में टोटल 30 सीट्स हैं पोस्ट बेसिक की, और मैं आपको डिटेल में सभी कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में जितनी जितनी सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स हैं, वो सारी वो लिस्ट भी आपको देने वाला हूँ। तो अगर टोटल आपकी सीट्स मैं कैलकुलेट करूँ, इंक्लूड गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज, तो आपकी 1380 के लगभग सीटें हो जाती हैं यहाँ पर, जिसमें गवर्नमेंट सीटें बहुत कम हैं, प्राइवेट सीटें ज़्यादा हैं। सो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। और टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 1769 टोटल हमारे एग्ज़ाम के कैंडिडेट हैं। तो मतलब अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में मिला के चलो, तो लगभग अराउंड 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हो जाएगा। बट प्राइवेट में ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते नहीं हैं, सीट खाली रह जाती है। लास्ट ईयर की बात करूँ मैं, तो लास्ट ईयर लगभग 764 कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया था, इंक्लूड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये डेटा आपने पूरा ध्यान में रखना है। तो अभी मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट दिखाऊंगा कि कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और उसके बाद लास्ट ईयर जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ था, कितने कितने मार्क्स पर, किन किन कैंडिडेट्स का, मेल का, फीमेल का, जैसे जैसे पैटर्न है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अपने जो मार्क्स हैं वो उन कैंडिडेट्स से कंपेयर करके थोड़ा अंदाज़ा आप लगा सकते हो। एक दो नंबर इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा का डिफरेंस डेफिनेटली नहीं आएगा, लगभग सेम ही पैटर्न रहता है तो एवरी ईयर। तो आप एक बार उसको एनालाइज करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे इस वीडियो से रिस्पांस चाहिए, जो पोस्ट बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिस्पांस चाहिए। बेसिकली ये वीडियो जो हमारे BSc नर्सिंग वाले हैं उनके लिए नहीं बनाई है मैंने, पोस्ट बेसिक वालों आप सभी का मुझे रिस्पांस चाहिए, ताकि मैं इसके बाद
रैंक लिस्ट आएगी, उसके बाद अच्छे से आपको जो एडमिशन लिस्ट दे सको, और उसके बाद में हम फीस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपने लास्ट तक ये वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉलेजेस के बारे में। एक बार मैं आपको जो कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज उनकी लिस्ट दिखा देता हूँ, और ये बिल्कुल 2022 और 23 के सेशन के लिए अलॉटेड कॉलेजेस हैं, अफिलिएटेड कॉलेज है फ्रॉम द PGIMS रोहतक। स्टार्ट करते हैं कॉलेज की लिस्ट। तो जिसमें आपको देखो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, पोस्ट BSc, यही सारी लिस्ट में जो शीट दी होंगी ये आपने सभी कॉलेज की ऐसे देख लेनी है। ये लिस्ट हैं जो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, प्लीज़ वहाँ से उनको एक्सेस कर लेना, डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला कॉलेज हमारा BDM नर्सिंग कॉलेज झज्जर चुचुकवास। तो इसमें 120 आपकी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की सीटें हैं। नेक्स्ट भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल, तो पोस्ट बेसिक की यहाँ पर 20 सीटें हैं। नेक्स्ट बीरेंद्र सिंह नर्सिंग कॉलेज 20 सीटें यहाँ पर हैं, और PGIMS रोहतक में देखो आप 30 सीटें अवेलेबल हैं, और PGIMS रोहतक में 30 सीटें ओनली फॉर रिजर्व फॉर फीमेल्स, मेल का यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दीनदयाल कॉलेज है, यहाँ पर देखो पोस्ट बेसिक की सीटें हैं ही नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉलेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्पिदो जिंद, यहाँ भी पोस्ट बेसिक की सीटें नहीं हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जो आपके हाथ से निकल गए हैं, खासकर बॉयज़ के हाथ से। बॉयज़ को तो मेरे को लगता है इनमें से मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट की सीट ही आपको उठानी पड़ेगी गाइस। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की 30 सीटें हैं जयप्रकाश कॉलेज में, और ये एक बार लिस्ट मैं आपको बोलूँगा कि एक बार इस लिस्ट के थ्रू आपने जाना है। हैप्पी चाइल्ड कॉलेज नर्सिंग, ये इसमें पोस्ट बेसिक की 60 सीटें हैं। हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलनाबाद सिरसा, 30 सीटें यहाँ पर है। सो मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करने वाला, आप ये लिस्ट देख सकते हो। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट बेसिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर की, अगर एडमिशन लिस्ट की अगर बात करें, कॉलेज अलॉटमेंट की बात करें, तो वो मैं लिस्ट आपके लिए अभी लेके आया हूँ। सो लेट्स स्विच टू, ये देखो यहाँ पर हमारी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है फॉर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सेशन 2021-2022। सो देखो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी दी गई स्टूडेंट्स की, CET का रोल नंबर दिया गया है, मेल फीमेल, और CET का स्कोर दिया गया है। जैसे सबसे पहला कैंडिडेट है इसका 152 CET का स्कोर था, पोस्ट बेसिक एडमिटेड इन PGIMS रोहतक। तो अब की बार दो टॉप कैंडिडेट्स की बात करें, जैसे 155 वाला बताया था मैंने आपको, 151 वाला बताया था, दोनों लड़कियां हैं, तो दोनों लड़कियां आपका डेफिनेटली PGIMS रोहतक में एडमिशन होगा, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट बॉयज़ की बात करते हैं, बॉयज़ में देखो सेकंड वाला जो रैंक है वो मेल है, दीपांशु डागर। ये देखो मैनेजमेंट की सीट यहाँ पर इसको मिली है, महेंद्रगढ़ कॉलेज में विद्यावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इसको सेकंड नंबर की सीट मिली है। तो ऐसे ही जो मैंने आपको लिस्ट बताई है कि 140 से अबव कितने हैं, 130 से अबव कितने हैं, तो ऐसे लिस्ट में आपने एनालिसिस करना है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अराउंड 130 प्लस वाले जितने भी बंदे हैं, 125 से अबव आपके अगर हैं फीमेल कैंडिडेट के, तो आपका PGIMS में एडमिशन होने के चांसेस हैं। आप जैसा कि यहाँ लिस्ट में भी देख सकते हो 125 पोस्ट बेसिक अनरिजर्व PGIMS रोहतक। ओके, ये आप यहाँ पर एक बार इस लिस्ट को एनालाइज करते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास वाला कॉलेज होता है प्राइवेट कॉलेज, तो वो अपने घर में घर के पास रहकर भी स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी का 100-150 किलोमीटर अवे पड़ता है PGIMS रोहतक से, और आपके पास अगर कोई पोस्ट बेसिक का कॉलेज है, तो डेफिनेटली आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, और घर के पास रहकर घर पे ही स्टडी कर सकते हो।
तो इसलिए ये कुछ जो बच्चे हैं, जैसे ये 117 मार्क्स हैं संजीता के, ये संगीता सॉरी पोस्ट बेसिक नर्सिंग मैनेजमेंट की सीट इसने ली है। तो इसका कारण यही हो सकता है कि इसके घर के आसपास पड़ता होगा लाडोत रोड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो सोनिया रानी 117 मार्क्स है, अनरिजर्व्ड सीट पोस्ट बेसिक, ये इसको शहीद बाबा दीप सिंह कॉलेज नर्सिंग रतिया में एडमिशन हो गया है। तो एक बार आपने इस लिस्ट को देखना है, प्रोविजनल लिस्ट को देखना है, और अपने जितने आपके मार्क्स हैं, सीटी का स्कोर है, कैटेगरी वाइज है, आप उस कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि विदाउट एनालिसिस तो ये जो पहले बच्चों ने एडमिशन लिया है, इन्होंने भी डेफिनेटली नहीं लिया होगा, आँख बंद करके तो एडमिशन कोई नहीं लेता। तो आप एक बार यहाँ आइडिया ले सकते हो, बाकी तो जो रैंक वाली लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ही हमारा क्लियर हो पाएगा। लास्ट ईयर भी लगभग 750 से 800 के बीच में बच्चों ने एडमिशन लिया था, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें खाली रह जाती हैं। तो आप लोग अपने प्राइवेट कॉलेज में भी जो सीनियर हैं आपके या फिर कोई नोन है आपका, उससे बिल्कुल सलाह करनी है कि कौन से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अराउंड 44-40 के अराउंड आपके कॉलेजेस हैं। देखो मुझे इतना पता नहीं है कि किस कॉलेज में कैसा स्टाफ है, कैसा वहाँ का माहौल है, हॉस्टल वगैरह का, ये जो आपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर ये वर्क करना है। बट जितना मैं एक एज ए एनालिस्ट कर सकता था वो मैंने आपके लिए किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस कुछ समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा गाइस, बिल्कुल मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। आज का हमारा सेशन इतना ही था। ये देखो महाराजा अग्रसेन कॉलेज पोस्ट बेसिक नर्सिंग मैनेजमेंट सीट, फीमेल रितु रानी। तो मैक्सिमम जो पोस्ट बेसिक की सीटें हैं, मैक्सिमम प्राइवेट सीटें हैं, गवर्नमेंट सीटें बहुत ही कम हैं। प्राइवेट का ही आपने अप्लाई करना है। और जितने मार्क्स देखो यहाँ पर, जितने जैसे 66-67 मार्क्स हैं, उसके हिसाब से बच्चों को कौन सा कॉलेज मिला है, आप थोड़ा अंदाज़ा ले सकते हो। और ये सारी लिस्ट मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्द ही आपके लिए आपकी काउंसलिंग की अपडेट और सारी अपडेट्स के लिए हाजिर रहूँगा। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।